हेलो गाइस, आज का डेट है 21 सितंबर 2023। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ आपको एक ही वीडियो में दिखाऊं। सो आज अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और मुझे अभी कॉलेज के लिए निकलना है। 11 बजे से लैब है। सो अभी तक मैं नहाया भी नहीं, तो मुझे जल्दी से फटाफट नहा धो के तैयार होके कॉलेज के निकलना है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार हो चुका हूँ और थोड़ा लेट भी हो चुका है, तो मुझे जल्दी जल्दी कॉलेज पहुँचना होगा। और मैंने नाश्ता भी नहीं किया यहाँ पर, तो मुझे कुछ रास्ते में ही खाना पड़ेगा क्योंकि लैब करीब 3 घंटे का होता है, तो उसके लिए मुझे कुछ एनर्जी चाहिए, तो मुझे रास्ते में कुछ खाना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं अपने पीजी से निकल चुका हूँ और मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ फल खा लिया जाए। तो मैं थोड़ी चाटते दे रहा फोटो 5 टे 20 5 टे दे। तो मैंने कुछ संतरे और केले खरीद लिया हूँ। तो संतरे तो खा नहीं सकता क्योंकि उसे छीलना ही पड़ेंगे, तो मैं अभी केले खा लूँगा। उसके बाद तो मुझे कुछ एनर्जी मिल जाएगी जिससे मैं लैब को छेद पाऊँगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपने एक फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो भी मेरी तरह ही लेट है और वो उसको आने में थोड़ा समय लगेगा। वो आके आएगा, फिर साथ में चलेंगे। आ चुका है लेट करते हुए। चलो से रेल क्रॉसिंग करते हैं, लेकिन हम लोग आज लेट हो चुका है, तो इसलिए हम लोग को इधर से जाना होगा। हम लोग जनरली ब्रिज का सहारा लेते हैं या फिर सब्बे का सहारा लेते हैं, लेकिन आज लेट हो चुका है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग कॉलेज पहुंच चुके हैं और करीब 15 से 20 मिनट लेट हो चुका है, तो देखते हैं हमें लैब के अंदर ढुकने दिया जाता है या नहीं। दे देगा, दे देगा। ये है हमारे ग्रुप के मेंबर। ले लिया स्लिप? लैब करने के बाद ही मिलूंगा। ठीक है, मिलते हैं लैब करने के बाद। हम लोग का लैब कंप्लीट हो चुका है और हम लोग को लग गई है भूख, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सबसे फेमस कैंटीन में खाने हैं, जिसका नाम है इसी कैंटीन। तो आपको कैंटीन में मिलते हैं।
लंच हो चुका है और इसी के लिए हम लोगों ने खाना खा लिया और हम लोग जा रहे हैं क्लास करने या फिर क्लास बंक करने, कोई आइडिया नहीं। मैं अपने एक परम मित्र से पूछूंगा कि वो क्लास करेगा या नहीं, यदि वो करेगा तो मैं भी करूंगा, यदि नहीं करूंगा तो हम लोग सभी बंक करके घर में जाके सो जाएंगे यानी पीजी में जाके सो जाएंगे। क्योंकि बारिश हो रही है बहुत जोर, तो वो लेने आ चुका है मुझे। चलो थैंक यू। फाइनली पहुंच चुका हूं अपने हॉस्टल पीजी और घर जो भी आप बोले, और यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा थक भी गया हूं और थोड़ा आराम करने का मन कर रहा हूं, थोड़ा भीग भी चुका हूं तो सर्दी ना हो जाए इसलिए मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। तो यही है मेरा डेली का लाइफ, आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग क्या लाइफ। इसके अलावा और भी टेंशन्स है जैसे असाइनमेंट, वाइवा, एग्ज़ाम, उसको मैं किसी और भी वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।